भारत चीन संबंधों को समझने के बाद अगली बात आती है भारत और पाकिस्तान के बीच भारत पाकिस्तान संबंधों का हमने बड़ा विस्तार से अध्ययन किया हुआ है कुछ अन्य अध्यायों में भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के संबंध को लेकर जिसमें बात होती है समकालीन दक्षिण एशिया के अध्याय में भी उसमें काफ़ी विस्तार से बातचीत होती है काफ़ी विस्तार से उसमें चर्चा हुई है यहाँ पर हम उसे संक्षिप्त में थोड़ा सा और देख लें और बात करते हैं 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध की पाकिस्तान जैसा हमने समझा है प्रारंभ से ही भारत विरोधी रवैया रहा उसके एक तरीके से अब ऐतिहासिक कारण भी हो गए हैं राजनीतिक कारण तो हैं ही और पाकिस्तान हमेशा भारत से इस बात से डरता रहा है कि भारत इतना विशाल देश जनसंख्या और क्षेत्र के मामले में वो एक महाशक्ति के रूप में इस क्षेत्र में उभर उभ, उभर रहा है उन्नीस में भारत पर पाकिस्तान ने दो बार आक्रमण किया पहली बार अप्रैल में कच्छ के रन में गुजरात की सीमा से जिसे हम कच्छ का रन कहते हैं और दूसरी बार सितंबर में कश्मीर से दो आक्रमण होते हैं उन्नीस में कच्छ के रन में कुछ सफलताएं पाकिस्तान को प्रारंभ में मिलती हैं लेकिन अंत में उसे पीछे हटना पड़ता है 30 जून पैंसठ को युद्ध विराम होता है और भारत अपनी शांति प्रियता का परिचय देते हुए अच्छे पड़ोसी संबंधों की चाह का परिचय देते हुए कच्छ संबंधी मतभेद को एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंपता है कच्छ के जो विवाद को लेकर वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाता है भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कच्छ के मामले को ले जाने का मकसद था शांतप्रिय तरीके से इस समस्या का निराकरण साथ ही भारत सदैव अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत रहा है लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को भारत की कमजोरी समझा और दुर्बलता माना और 1965 में जो युद्ध विराम की जो रेखा बनी थी उसका उल्लंघन करते हुए उसने सितंबर में कश्मीर में घुसपैठिए भेज दिए कहाँ कच्छ की बात हो रही है और कहाँ कश्मीर और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत क्यों हुई क्योंकि उसने भारत के इस कदम को कमजोरी माना भारत की कमज़ोरी माना कश्मीर में पाकिस्तान घुसपैठिए भेजता है सीमाएं पार करती हैं लेकिन भारतीय फ़ौज उन्हें धकेलने में सफल होती है और दो तीन इलाके ख़ास तरीके से हाजी पीर और टितवाल जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था उसे मुक्त करवा लिया गया सितंबर पैंसठ को आर्मी स्वयं पाकिस्तान आर्मी अब हमला करती है अभी तक घुसपैठिए थे अब यहाँ आर्मी के द्वारा हमला होता है और वो भी छंब क्षेत्र में छम्ब क्षेत्र पे हमला होता है भारत अंततः विवश हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने के लिए और वह पश्चिमी पाकिस्तान की ओर अंदर धावा बोलता है पाकिस्तान के क्षेत्र में अब वो अपनी फौज भेजता है पाकिस्तानी सेनाएं यद्यपि आधुनिक थी ज़्यादा सशक्त लग रही थी लेकिन बुरी तरह हारती हैं और अंत में सुरक्षा परिषद 20 सितंबर के प्रस्ताव के आधार पर भारत और पाकिस्तान को आदेश देता है कि युद्ध विराम तुरंत हो और 22 तेईस सितंबर को रात साढ़े तीन बजे युद्ध विराम घोषित हो जाता आपको मालूम होना चाहिए कि जब युद्ध विराम होता है उस समय तक भारत की फौजें लाहौर की सीमा तक पहुंच चुकी थी लाहौर जो पाकिस्तान का एक अत्याधिक महत्वपूर्ण शहर है एक तरीके से व्यापारिक राजनीति राजधानी वहाँ तक भारत घुस चुका था चाहता तो उस पर ताबड़तोड़ हमला करके उस पर कब्जा कर सकता था लेकिन वही बात कि उसने सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम के अनुरोध को स्वीकार किया और 22 तेईस सितंबर की रात के साढ़े तीन बजे युद्ध विराम होता है युद्ध विराम तो हो गया अंतरराष्ट्रीय दबाव के तहत लड़ाई भी रुक गई लेकिन लड़ाई रुक गई लेकिन लड़ाई के कारण तो अभी थे ही दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध होने की बात ही दूर थी इन संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन सामने आते हैं श्री कोसिगिन और उनके प्रयासों से भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होता है जिसे कहते हैं ताशकंद समझौता ताशकंद समझौता जिसमें पाकिस्तान की ओर से वहाँ के राजाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष अयूब खान और भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं इस समझौते में क्या सहमति थी इस बात पे सहमति कि दोनों देशों के सभी सशस्त्र व्यक्ति दोनों देशों की फौजें 25 फरवरी छासठ तक अधिकतम वापस लौट जाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में कब तक 25 फरवरी छियासठ तक और अपना अपना क्षेत्र यानी किसे माना जाएगा पाँच अगस्त उन्नीस के पूर्व जैसी स्थिति थी वे वैसी स्थिति में आ जाएंगे 5 अगस्त उन्नीस की स्थिति पर वापस आ जाएंगी सभी फौजें अधिकतम किस तारीख तक 25 फरवरी छियासठ तक तथा दूसरी बात जो इसमें थी दोनों पक्ष युद्ध विराम रेखा पर पाकिस्तान के लिए दोनों पक्ष युद्ध विराम लेखा पर शर्तों का पालन करेंगे परिणाम क्या हुआ यह समझौते पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए। परिणाम यह हुआ कुल मिलाकर कि भारत ने खोया अधिक और पाया कम मैंने आपको बताया कि भारत की सेना तो लाहौर की सीमा तक पहुंच चुकी थी भारत को यह सब छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान की जो फौज जो अंदर आ गई थी उसे भी काफ़ी कुछ क्षेत्र छोड़ना पड़ा लेकिन निचोड़ यदि निकालें तो भारत ने खोया अधिक और पाया कम ये जो समझौता था वो पाकिस्तान के लिए अधिक फ़ायदेमंद था इसमें कोई दो मत नहीं आचार्य कृपलानी तत्कालीन राजनेता भारत में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने किसी दबाव में आकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं अब वो किस तरह का दबाव था यह तो स्पष्ट नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी बहुत हद तक यह बात सही लगती है कि किसी तरह के दबाव में ही आकर भारत इस तरह की संधि को स्वीकार करेगा जिसमें उसे खोना ज़्यादा पड़ा मिला कम लेकिन एक और बात इससे हुई कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसकी औपचारिक समाप्ति हुई भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति की भी औपचारिक समाप्ति होती हो ये दो परिणाम इस ताशकंत समझौते के निकले दुर्भाग्य से समझौते के तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो जाता है ताशकंत में ही और ऐसी क्या स्थितियाँ जिस जिसपे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती और आज भी स्पष्ट नहीं है निष्कर्ष कुल मिलाकर ये कि भारत को कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ और उल्टा इस संधि के बाद भी पाकिस्तान ने भारत विरोधी रवैया जारी रखा और उल्टा और ज़्यादा प्रचार करने लगा भारत विरोधी प्रचार का प्रयास उसने और बढ़ा दिया ताशकंद समझौते में आखिर वो क्या बिंदु थे जिनमें सहमति बनाई गई थी जैसा मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार दोनों में मधुर संबंध रहें यह पहली बात थी दोनों पक्षों का प्रयास रहेगा कि मधुर संबंध बनाए रखें दूसरा दोनों पक्ष इस बातचीत पे सहमत कि पांच फरवरी 1966 से पहले उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां वे पांच अगस्त 1965 से पहले थे तीसरी बात आंतरिक विषयों में अहस्तक्षेप की बात पर दोनों देश सहमत चौथा दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे लेकिन जैसा मैंने कहा संधि होती है समझौता होता है और पाकिस्तान पुनः विश्व के विभिन्न मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के दुष्प्रचार के नए प्रयास शुरू कर देता है लेकिन इस संधि में ये चौथी बात थी और पांचवी और अंतिम बात दोनों देशों में राजनीतिक संबंध कूटनीतिक संबंध के तहत उच्चायुक्त पुनः स्थापित हों उच्चायोग पुनः स्थापित हो और आज दूध पुनः स्थापित हों इस प्रकार ताशकंद समझौता उसकी पृष्ठभूमि ताशकंद समझौते के कारण और भारत पाक युद्ध उन्नीस का हमने संक्षिप्त में एक तरीके से एक अध्ययन कर लिया अब हम आते हैं भारत पाक युद्ध उन्नीस और उसके बाद की स्थिति उन्नीस की लड़ाई की समाप्ति जहाँ ताशकंत समझौते से होती है वहीं 1971 की लड़ाई की समाप्ति एक तरीके से शिमला समझौते से होती है शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी भारत और पाकिस्तान के बीच का 1965 का युद्ध का मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर नज़र कश्मीर को लेने का प्रयास वहीं उन्नीस के युद्ध का मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान में होने वाली घटनाएं और उसका भारत पर प्रभाव मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान में होने वाली घटनाएं पाकिस्तान दो टुकड़ों में था पश्चिमी सीमा में पश्चिमी पाकिस्तान और भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में घटनाक्रम कुछ ऐसा हो रहा था कि उससे भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था और इसने अंततः और ये प्रभाव ही अंततः युद्ध का कारण बनता है आखिर वो क्या था ऐसी क्या घटनाक्रम था थोड़ा सा उससे संक्षिप्त में जाने उन्नीस पश्चिमी पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो आ, राष्ट्रपति थे वो एक सेना अध्यक्ष थे जनरल याहिया खान ताशकंद समझौता हुआ था जनरल अयूब खान के साथ अब अयूब खान की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर उन्नीस में जनरल याहिया खान पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं सेना अध्यक्ष भी रहते हैं सैनिक तानाशाही चलती है तो याहिया खान की तानाशाही के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान इलाके में वहाँ एक तरह का जन आंदोलन शुरू होता है क्योंकि याहिया खान सेना अध्यक्ष भी था तो हर चीज़ का सैनिक हल निकालने का उसका प्रयास रहता था पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने उसकी तानाशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ शुरू किया इस आंदोलन को कुचलने के लिए याहिया खान ने पूरी सैनिक शक्ति लगा दी और बहुत बड़ा नरसंहार किया परिणाम क्या होता है कि इस क्षेत्र के बहुत से लोग डर कर भारत की ओर भागते हैं और दूसरे लोग पाकिस्तान के इस दमन के खिलाफ एक मुक्ति संघर्ष शुरू कर देते हैं यानी स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष शुरू हो जाता है आंदोलन शुरू हुआ था यहाया खान की तानाशाही के खिलाफ अब वह आंदोलन का स्वरूप बदल गया और अब वह स्वतंत्रता की मांग करता है एक और जहाँ वहाँ पर बांग्ला पूर्वी पाकिस्तान में उस क्षेत्र की मुक्ति का आंदोलन चल रहा था वहीं दूसरी ओर बड़ी भारी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत आ रहे थे उनकी संख्या लगभग एक करोड़ हो चुकी थी एक करोड़ लोगों का भारत आना शरणार्थियों के रूप में उनके लिए यहाँ पर रहने खाने पीने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करना कि ये शरणार्थी जिनका स्वयं का कोई मकान स्वास्थ्य की कोई विशेष सुविधाएँ ना हो, वो किसी अन्य बड़ी महामारी का कारण ना बने तो भारत पर एक बड़ी आर्थिक दबाव पड़ने लगा था और इस आर्थिक दबाव के चलते भारत ने विश्व के देशों से अनुरोध किया कि जब तक इस समस्या का हल नहीं हो जाता पश्चिमी पाकिस्तान को आर्थिक मदद बंद करें भारत के द्वारा विश्व को अनुरोध कि उसने जिस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया है और करोड़ों लोगों को भारत में आने को विवश किया है जिसके कारण भारत पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ गया है अनुरोध है कि पाकिस्तान को आर्थिक सहायता बंद की जाए सोवियत संघ और बहुत से देश भारत के पक्ष में सामने आए भारत के पक्ष से सहमत हुए लेकिन चीन और अमेरिका इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला मानते हुए पाकिस्तान को उन्होंने आर्थिक सहायता जारी रखी सैनिक सहायता भी जारी रखी क्योंकि वे इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला मानते थे दिसंबर उन्नीस को पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है और इसका कारण था क्योंकि भारत पर जो इतना बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा था भारत पे जो इतना शरणार्थियों की संख्या आ गई थी भारत ने भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ सहानुभूति दिखानी शुरू कर दी थी और एक तरीके से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उसने आर्थिक मदद सैनिक मदद भी देनी शुरू कर दी थी इसके विरोध में पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तीन दिसंबर इकहत्तर को और भारत ने इस बार सबक सिखाने का निश्चय लिया डट कर मुकाबला किया पाँच दिसंबर को सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत पूर्वी पाकिस्तान में मदद दे रहा है अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया लेकिन सोवियत संघ भारत के पक्ष में रहता है और वीटो करता है वीटो करना अर्थात पाकिस्तान के उस प्रस्ताव को रद्द कर देता है जिसके तहत उसने भारत को एक आक्रांता देश के रूप में पेश करने की कोशिश की 16 दिसंबर को 6 दिसंबर को छः दिसंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय संसद में घोषणा करती हैं कि एक नए देश का जन्म हो गया है अर्थात भारत पहला राष्ट्र बनता है जो एक नए राष्ट्र के उदय की घोषणा करता है और उस राष्ट्र का नाम है बांग्लादेश जो पूर्व में पूर्व पाकिस्तान कहलाता था तो बांग्लादेश के उदय की सूचना भारतीय संसद में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा छः दिसंबर को सोलह दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान की सेना जनरल नियाजी के नेतृत्व में समर्पण करती है और आत्मसमर्पण करती है और पाकिस्तान के एक लाख सैनिक एक लाख सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं भारत की फ़ौज के सामने सत्रह दिसंबर को एक पक्षी युद्ध विराम इस बार भारत घोषित करता है चीन के मामले में मैंने बताया था कैसे चीन एक पक्षी युद्ध विराम घोषित किया उन्नीस की लड़ाई के मामले में मैंने बताया कि संयुक्त सुरक्षा परिषद ने कैसे युद्ध विराम घोषित किया यहाँ उन्नीस की लड़ाई में भारत एक पक्षी युद्ध विराम घोषित करता है और इंदिरा गांधी याहिया खान से अपील करती हैं कि युद्धबंदी प्रस्ताव को मान लिया जाए क्योंकि पाकिस्तान इस युद्ध में बुरी तरह हार चुका था और भारत ने पाकिस्तान के एक टुकड़े को बांग्लादेश के रूप में नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। पाकिस्तान की कमर वैसे ही टूट चुकी थी भारत के युद्धबंदी प्रस्ताव को जनरल याहिया खान तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान के तुरंत स्वीकार करते हैं और इस युद्ध की वजह से भारत का जो सम्मान है वो दुनिया में बढ़ता है अमेरिका की गहरी जो चालें थी कूटनीतिक चालें थी वो यहाँ पराजित होती हैं अमेरिका को बड़ा सदमा लगता है और पाकिस्तान से के विभाजन से पाकिस्तान का भी हौसला पस्त होता है ये इसके चार पांच परिणाम हुए इस युद्ध के पहला परिणाम बांग्लादेश का निर्माण दूसरा परिणाम भारत का सम्मान विश्व मंच पर बढ़ना तीसरा परिणाम युद्धबंदी समझौते के तहत लाखों फ़ौजियों का आत्मसमर्पण चौथा परिणाम अमेरिकी कूटनीतिक अमेरिका की कूटनीतिक पराजय और पांचवा परिणाम पाकिस्तान को बड़ा झटका पाकिस्तान का विभाजन ये पांच परिणाम बड़े स्पष्ट थे ये भारत के लिए एक बहुत गर्व के क्षण से घटनाक्रम के बाद शिमला समझौता होता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मिलते हैं बैठकें करते हैं और जून बहत्तर में शिमला समझौते के नाम से शिखर सम्मेलन होता है इस सम्मेलन में भुट्टो और इंदिरा गांधी कुछ मुद्दों पर सहमत होते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं जिसे प्रसिद्ध जिसे हम शिमला समझौता कहते हैं आखिर क्या है शिमला समझौता के विभिन्न बिंदु जैसे हमने ताशकंद समझौते के पांच बिंदुओं को समझा थोड़ा शिमला समझौते पर भी थोड़ा नजर डालें दोनों देशों के बीच सहमति की पहली बात दोनों देश पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत और शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेंगे उसके लिए दृढ़ संकल्प है किसके लिए पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत यानी कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने की ज़रूरत नहीं है ये दो देशों के बीच का मामला है तो दोनों देश ही अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे कोई दूसरा देश इसमें आमंत्रित नहीं होगा या किसी दूसरे देश की दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी ये पहली सहमति दूसरी दोनों देश एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता अखंडता राजनीतिक स्वतंत्रता आदि का सम्मान करेंगे तीसरा दोनों एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी नहीं देंगे पहली तीसरी बात दूसरी बात थी सम्मान और तीसरी बात बल प्रयोग न करने का संकल्प चौथा दोनों देशों द्वारा परस्पर विरोधी प्रचार नहीं किया जाएगा अर्थात कुल मिला शिमला समझौते में इन चार बिंदुओं से ये बात साफ है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि किसी बाहरी या तीसरी देश की इस मामले में दखल की ज़रूरत नहीं है अमेरिका या सोवियत संघ या किसी अन्य देश के द्वारा किसी तरह की समझाइश किसी तरह के समझौता कराने का प्रयास इस बार स्वीकार नहीं किया जाएगा जैसा कि 1965 के बाद ताशकंत में सोवियत संघ के मुखिया प्रधानमंत्री कोशिगिन के प्रयास को हमने स्वीकार किया था इस बार हम दोनों देश सक्षम हैं अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए और पांचवा समझौते में तय किया गया कि दोनों देश परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए इस प्रकार शिमला समझौते के ये पांच बिंदु परिणाम क्या हुआ संचार व्यवस्था डाक व्यवस्था जल थल हवाई मार्ग इसके लिए बातचीत होगी इसके लिए प्रयास होंगे आर्थिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाने के प्रयास होंगे आदि आदि छठवां जो बिंदु था उसमें वो था स्थाई शांति के लिए प्रयत्न किए जाएंगे स्थाई शांति के लिए परमानेंट सॉल्यूशन के लिए प्रयत्न किया जाएगा और इसके लिए दोनों देशों को अपनी सेनाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बुलाना होगा यह सहमति थी तो इस प्रकार शिमला समझौता उन्नीस की लड़ाई का अंतिम चरण था और इस समझौते के साथ उन्नीस की लड़ाई समाप्त होती है और ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान संबंधों का एक नया दौर शुरू हुआ लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी शिमला समझौते से क्योंकि ये किसी सेनाध्यक्ष के साथ ये समझौता नहीं था ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोकतंत्री व्यवस्था से चुनी गई पाकिस्तान की सरकार के मुखिया और भारत की सरकार के मुखिया के बीच की वार्ता का असर था और इसके कुछ और भी कारण थे क्यों इस शिमला वार्ता ने इतनी उम्मीदें जगाई शांति की पर दुर्भाग्य से ये समझौता भी ज्यादा दिन नहीं चला अगला हम आते हैं कारगिल संघर्ष पर कारगिल की लड़ाई उन्नीस उन्नीस की शुरुआत में जनवरी फरवरी के कड़ाके के ठंड के दौरान जो नियंत्रण रेखा है उस नियंत्रण रेखा के पास जो क्षेत्र हैं ड्रास मशकोर काक्सर बटालिक इन क्षेत्रों पर मुजाहिदीन बताने वाले लोगों ने अपने को कब्जा कर लिया अपने को क्या कह रहे थे मुजाहिद पाकिस्तानी सेना की इस हरकत को भारत सरकार भांप लेती है और फिर भारतीय सेना इनके खिलाफ़ हरकत में आती है और एक तरीके से फिर युद्ध शुरू हो जाता है इसी युद्ध को कारगिल की लड़ाई कहते हैं उन्नीस के प्रारंभिक महीनों में पाकिस्तानी सेना की मदद से मुजाहिद लोगों द्वारा कुछ क्षेत्रों पर कब्जा जिसमें पाकिस्तानी सेना की मिली भगत का पर्दाफाश होता है और फिर भारत इसके जवाब में लड़ाई शुरू करता है मई जून में लड़ाई जारी रहती है और जुलाई उन्नीस सौ निन्यानवे तक भारत इन अधिकतर इलाकों को वापस अपने कब्जे में ले लेता है पुनः अधिकार इस पे पा लेता है इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा तो क्योंकि भारत इसके लिए एक तरीके से पूर्ण रूप से तैयार नहीं था कारगिल की लड़ाई ने पूरे दुनिया का ध्यान खींचा क्योंकि इससे ठीक एक साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे ये लड़ाई इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कारगिल की लड़ाई 1999 में होती है और ये डर हो जाता है दुनिया को कि कहीं ये लड़ाई परमाणु हथियारों की लड़ाई में ना बदल जाए और यह डर क्यों हुआ क्योंकि ठीक एक साल पहले यदि आपको याद होगा उन्नीस में भारत ने पांच परमाणु परीक्षण किए थे परमाणु परीक्षण और उसके जवाब में पाकिस्तान ने छह परमाणु परीक्षण किया और दोनों राष्ट्रों ने इस प्रकार दुनिया को बता दिया था कि हम परमाणु हथियारों से लैस होने की क्षमता रखते हैं तो ये लड़ाई इसीलिए बहुत चर्चित रही दुनिया में बहरहाल यह लड़ाई सिर्फ कारगिल इलाके तक ही सीमित रही आगे नहीं बढ़ी और पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर काफ़ी विवाद मचा सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को संभवतः इस मामले में अंधेरे में रखा था और सेना प्रमुख ने बिना प्रधानमंत्री को बताए कारगिल का युद्ध कर दिया था इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज का कब्जा होता है दूसरे शब्दों में कारगिल की लड़ाई के क्या परिणाम हुए पहला शिमला समझौते को पूरी तरह नकार दिया गया ऐसा स्पष्ट हुआ दूसरा छद्म रूप से पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तीसरा परिणाम युद्ध का रूप लेता है चौथा परिणाम पूरे विश्व में इस बात को लेकर इस युद्ध के नाम पर काफी तनाव हो जाता है क्योंकि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस होने की क्षमता रखते थे और छठवां परिणाम सरकार का पलटना और नए सेनाध्यक्ष का राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान में उभरना वे नए सेनाध्यक्ष थे जनरल परवेज मुशर्रफ वो पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान की राजनीति को अपने हाथ में ले लेते हैं और अगले दशक तक भारत पाकिस्तान के संबंधों को बहुत प्रभावित करते हैं इस पूरे काल में लगातार दोनों देशों के बीच में सीमा में गोलीबारी होती रही और आज तक वह दौर चल ही रहा है 1999 को गए अभी 20 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं लेकिन सीमा पर अभी भी दोनों देशों के बीच में गोलाबारी होती ही रहती है सैनिक शहीद होते ही रहते हैं आतंकवादी गतिविधियां भी पाकिस्तान के द्वारा बहुत बढ़ा दी गई हैं स्वरूप उस क्षेत्र में सतत रूप से अशांति बनी हुई है उन्नीस के युद्ध की पृष्ठभूमि भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि को यदि हम थोड़े दूसरे नज़रिए से देखें तो हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत इस युद्ध की नींव कहाँ रखी गई सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान में पहली बार चुनाव होते हैं आम चुनाव पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में चुनाव होते हैं और परिणाम कुछ ऐसे आते हैं जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान में वहाँ के जो सैनिक वहाँ के जो मुखिया हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है पश्चिमी पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान में ठीक उसके विपरीत अवामी लीग जिसका नेतृत्व मुजीबुर रहमान कर रहे थे उनको मिलता है तो एक ही देश में दो टुकड़े और दोनों टुकड़ों में अलग अलग पार्टियों को बहुमत मिला पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पाते उसे पचा नहीं पाते वामी लीग एक संघ बनाने की मांग करती रही संघी प्रणाली के तहत शासन में सरकार में अपनी भागीदारी की मांग करती रही जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो की अस्वीकार किया उन्नीस में पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि रहमान सतत रूप से न्याय की मांग कर रहे थे सरकार बनाने की सरकार में शामिल होने की मांग कर रहे थे वे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियां पूर्वी पाकिस्तान पे हावी हों और इसके विरोध में उनके इस विरोध को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म शुरू होते हैं उसके जवाब में क्या होता है आपको याद होगा मैंने बताया था कि पूर्वी पाकिस्तानी सेना अपने इलाके को पाकिस्तान से मुक्त करने के लिए जंग छेड़ देती है मुक्त वाहिनी सेना के नाम से लाखों की संख्या में शरणार्थी भा, भारत आते हैं इन शरणार्थियों का बोझ भारत के लिए बहुत भारी होता है और भारत को विवश करता है पाकिस्तान को आदेश देने के लिए कि वह इन शरणार्थियों के आवागमन को रोके ऐसा ना कर पाने की स्थिति में भारत हमला कर देता लेकिन हमला करने से पूर्व स्थितियाँ कुछ ऐसा करवट लेती हैं कि भारत के लिए यह इस लड़ाई से अपने को दूर रखना मुश्किल हो जाता है शरणार्थियों का आना भारत को विवश करता है कि वह बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता देना प्रारंभ करें भारत के द्वारा नैतिक समर्थन बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को दिया जाना पाकिस्तान से पचा नहीं पाता और पाकिस्तान आरोप लगाता है कि वह पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है भारत पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है ऐसा आरोप पाकिस्तान के द्वारा लगाया जाता एक और जहां भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका से मदद मांगी थी इस दौरान वहाँ ठीक विपरीत अमेरिका और चीन पाकिस्तान की मदद करते हैं यह एक तरीके से शीत युद्ध का ही कुछ कुछ असर था क्योंकि भारत के पक्ष में जहाँ सोवियत संघ था स्वाभाविक है दूसरे खेमे का नेतृत्व करने वाला अमेरिका भारत के विरोधी खेमे में जाएगा और वह था पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान चीन की धुरी एक बनती है अमेरिका पाकिस्तान और चीन ये एक गुट बनाते हैं धुरी बनती है और ऐसा बनते देख भारत सोवियत संघ की ओर झुकता है सोवियत संघ की ओर बढ़ता है और इसका परिणाम क्या होता है बीस वर्ष की संधि पर हस्ताक्षर जिसमें भारत को आश्वासन मिलता है कि हमला होने पर भारत पर किसी का हमला यदि होता है तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा भारतीय सीमा पर पश्चिम से हमला करता है तो भारत पाक युद्ध 6 दिसंबर को छिड़ जाता है पाकिस्तान के लड़ाकू विमान पंजाब राजस्थान के अंदरूनी हिस्से में चले जाते हैं जम्मू कश्मीर पर भी हमला करते हैं और जवाब में भारतीय नौसेना थलसेना वायुसेना पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई करती है और इस प्रकार फॉर्मल तरीके से एक युद्ध शुरू हो जाता दस दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ता है और उसके नब्बे हजार सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म होता है और भारतीय सेना जो है वो युद्ध विराम एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देती है इसके बाद जुलाई बहत्तर में शिमला समझौता और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा वृद्धि और इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत बहुमत से जीतती है चीन युद्ध के समय आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि भारत किस प्रकार चीन से मुंह की खाता है कई क्षेत्रों में और उसका अंदरूनी राजनीति में प्रभाव इस रूप में पड़ता है कि पहली बार कई गैर कांग्रेसी संसद में चुन कर आते हैं कई जगह के चुनावों में कांग्रेस की पराजय होती है जहां चूंकि हमारी जीत हुई थी इस जीत का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को लोगों ने सार हाथ उठा लिया और सभी जगह उन्हें लगभग बहुमत मिला बहुमत से जीती भारत चीन युद्ध के कुछ परिणाम ये भी थे सीमित संसाधनों के साथ शुरू की गई जो हमारी नियोजित विकास की योजना थी नियोजित विकास की जो हमारी प्रणाली थी वो पटरी से उतर गई विकास के प्रक्रिया को बहुत बड़ा धक्का लगा अन्य परिणाम भारत को अपने सीमित संसाधनों को सैन्य या रक्षा क्षेत्र में लगाना पड़ा उसके पास जो भी संसाधन थे अब उसका पूरा ध्यान रक्षा संसाधनों के उत्पादन में उसके आधुनिकीकरण में उसके आ, उसको उपयोगी बनाने में उसका ध्यान चला गया और विकास उस हद तक बैकसीट ले लेता है पीछे आ जाता है रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना होती है और रक्षा आपूर्ति विभाग की भी स्थापना होती है तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका साफ असर दिखता है तीन इसके बाद तीन एक वर्षीय योजनाएं बनती हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना उन्नीस में ही शुरू हो पाती है वो इसलिए क्योंकि चीन के युद्ध का असर चीन से पराजय का असर चीन युद्ध से हुए खर्च का असर बहुत लंबे काल तक चलता है और इस प्रकार चौथी योजना के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो संसाधन चाहिए होते हैं वो उन्नीस सौ तक ही उनहत्तर तक ही आ पाते हैं और चौथी योजना फिर उन्नीस में प्रारंभ होती है